हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी के ट्रेलर के बारे में। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना तड़पाने के बाद फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर अब हमारे सामने है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि टीजर के अलावा सीधे इस फिल्म का ट्रेलर हमारे सामने आ गया, और उसी के साथ साथ इस ट्रेलर के साथ में एक बुरी बात भी आई, और वो बात है फिल्म की स्टोरी, जो मुझे लगता है उन लोगों ने ट्रेलर में पूरी तरीके से बता दी है। बस सस्पेंस ये छोड़ दिया गया है कि कैसे आमिर खान का कैरेक्टर फिरंगी मल्हार अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर यानी खुदा बख्श को कैसे पकड़ेगा, और उसके बाद ऐसा क्या होगा जिसके बाद आमिर खान का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ हो जाएगा। बस यही चीज इस फिल्म में ट्विस्ट है, बाकी सारी के सारी चीज मुझे लगता है हमें ट्रेलर में दिख गई है। खैर, इन सभी बातों को छोड़ दिया जाए तो फिल्म का ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि फिल्म के VFX बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बस कुछ जगहों पर VFX थोड़े से मार खाते हैं, तो मुझे लगता है फिल्म रिलीज होने से पहले वो सारी चीजें ठीक कर ली जाएगी, क्योंकि ये फिल्म यशराज बैनर के अंडर बनी है और यशराज स्टूडियो आज की तारीख में VFX देने में काफी ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म की स्टोरी कन्फेशन ऑफ ठग बुक से ली गई है, लेकिन ट्रेलर में ऐसी कोई भी बात हमें नजर नहीं आई। उस बुक की स्टोरी और फिल्म की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क है। इस फिल्म को एक पूरी तरीके से एक अलग ही एडवेंचर पर बनाया गया है, जिसमें खास कर देशभक्ति डाली गई है, ये सोच करके कि शायद अगर उस टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों से शिप की बैटल भी करते। यानी ये इस फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की एक इमेजिनेशन है, जिसे मुझे लगता है उन्होंने पूरी ईमानदारी से बनाने की कोशिश की है। तो अब उनकी मेहनत तो हमें ट्रेलर में नजर आ रही है, और साथ ही साथ इस फिल्म के आर्ट डिजाइनर ने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि इस फिल्म का ईयर 1795 का है और उस टाइम का पीरियड फिल्म में दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए यहाँ पर आर्ट डायरेक्शन की तारीफ तो बनती है। और बाकी की कसर इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पूरे कर देते हैं, और मुझे लगता है काफी लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जब वो लोग इस फिल्म का ट्रेलर देख रहे होंगे तो उन्हें हमारे इंडिया की लेजेंडरी फिल्म क्रांति की याद आ रही होगी, क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट और क्रांति फिल्म का सब्जेक्ट एक ही जैसा था, लेकिन वो एक लेजेंड फिल्म थी जिसने 1981 में नाम कमाए थे। उस फिल्म के गाने से लेकर फिल्म भी एक जबरदस्त हिट रही थी। ऐसे में बात करें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, तो आज के मुकाबले में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान VFX कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और सेट डिजाइनिंग के मामले में काफी ज्यादा आगे है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या इस फिल्म के गाने उस लेवल के होंगे कि लोग इस फिल्म को क्रांति फिल्म से कंपेयर कर सके, क्योंकि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर आजाद को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उनका इस फिल्म में रोल दिलीप कुमार के कैरेक्टर सांगा जैसा ही है, क्योंकि दोनों को ही आजादी पसंद थी। तो सभी लोग इस फिल्म के पोस्टर को देखकर ये भूल गए कि असल में ये फिल्म हमारी इंडिया की कोई फिल्मों से भी अडेप्ट की जा सकती है। हालांकि आप सबको पता है कि आज की सभी जनरेशन ले देकर बस हॉलीवुड की फिल्मों की ही बात करती है, इसलिए उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के अलावा और कोई दूसरी फिल्में नहीं सूझती। इसलिए अगर इंडिया में कोई भी फिल्म बनेगी तो पहले लोग ये कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये फिल्म इस फिल्म से कॉपी की गई है, ये फिल्म इस फिल्म से कंपेयर है। ऐसे में बात की जाए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म की, तो इस फिल्म के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वेल, तो अब उन सभी बातों को इग्नोर कर ये ध्यान दो कि इस फिल्म में हमें आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर नजर आने वाले हैं, और हमने इन दोनों को आज तक एक साथ स्क्रीन पर कभी नहीं देखा है। और अब यहाँ पर लोग लगान और बॉम्बे टॉकीज फिल्म का नाम बिल्कुल भी ना ले, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में कुछ अलग ट्राई किया गया है जिसे शायद ही हमारे बॉलीवुड में आज की तारीख में ट्राई किया जाता है, वो भी बहुत बड़े रिस्क और बजट के साथ। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वेल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।